शहनाज गिल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच शहनाज ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें शहनाज गिल ने ग्लैमरस फोटोशूट कराया। दीपिका कक्कड़ जल्द ही मां बनने वाली हैं। इसी बीच उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने प्रेगनेंसी को फेक बताने पर ट्रोलर्स पर जमकर भड़ास निकाली। 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को लेटर लिखकर होली की बधाई दी है। शिल्पा शेट्टी अक्सर सोशल मीडिया पर मंडे मोटिवेशन शेयर करती रहती हैं। अब हाल ही में उन्होंने फैंस के साथ मंडे मोटिवेशन वीडियो शेयर किया है जिसमें वह घर पर मजेदार अंदाज में वर्कआउट करती हुई दिखाई दी। रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की वजह से बेहद सुर्खियों में हैं। इसी बीच एक इंटरव्यू में उन्होंने बीते 3 सालों में अपनी लाइफ में हुए उथल पुथल और बदलाव को लेकर बात की। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा मध्य प्रदेश के महू पहुंची। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी बचपन की यादें ताजा करते हुए एक वीडियो शेयर किया। साउथ एक्टर प्रकाश राज हमेशा अपने किसी न किसी बयान की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने अपने ट्वीट के जरिए तमिलनाडु पुलिस को टैग कर पूछा कि क्या उन्होंने प्रकाश राज के खिलाफ केस दर्ज किया FIR की। 7 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने के बाद कियारा आडवाणी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी और कैरियर के बारे में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि शादी के बाद वो पहली बार खुद से पूरा घर संभाल रही हैं। वहीं सिद्धार्थ के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर है। बॉलीवुड एक्टर श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। बता दें कि लव रंजन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में श्रद्धा के अपोजिट रणबीर कपूर नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भोला का ट्रेलर रिलीज हो गया जिसे एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। इस फिल्म में अजय खतरनाक एक्शन करते हुए नजर आए।